हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कोरोना का जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है ओमिक्रॉन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दो डोज इसे प्रोटेक्शन देने में कामयाब होंगे, और थर्ड बूस्टर डोज हमें लेना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विश्व संगठन ने इसे चिंताजनक बताया है। कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन ने महामारी से जूझ रही दुनिया को और भी चिंता में डाल दिया है। इसे कोविड के डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला तंजानिया में आए एक व्यक्ति में पाया गया था। उसके बाद जिन 5 लोगों में ओमिक्रॉन पाया गया उसमें प्रमुख रूप से बदन में दर्द, गले में खराश, कमजोरी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए थे। ओमिक्रॉन में प्रभावित लोग साधारण सर्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनमें ना ही सांस लेने में दिक्कत होती है, ना ही उनमें टेस्ट में कुछ फर्क पड़ता है। अपने जो पहले 5 मरीज दिखे थे उसमें पहले मरीज को बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं थे, दूसरे मरीज में हल्के सिम्टम्स दिखे थे और तीसरे मरीज में गले में खराश और कमजोरी जैसे लक्षण दिखे थे। वैसे ही 4th मरीज में हल्का बुखार दिखाया था, 5th मरीज में गले में खराश एंड बदन दर्द ऐसे सिम्टम्स दिखे थे। इसके अलावा कुछ मरीजों में सर दर्द, बदन दर्द और थकान ऐसे सारे सिम्टम्स दिखे थे। देखते हैं क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दो डोज इस वेरियंट से प्रोटेक्शन देने में कामयाब होते हैं या नहीं। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दो वैक्सीन लेने के बाद, दो डोज लेने के बाद अगर तीसरा बूस्टर शॉट अगर ले तो प्रोटेक्शन और भी बेटर होता है। जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन के दो डोज लिए हैं वो लोग अगर थर्ड बूस्टर शॉट अगर ले तो एंटीबॉडीज ओमिक्रॉन के अगेंस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखते हैं थर्ड डोज किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को मिलेगा। तो फर्स्ट है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जिन लोगों को फर्स्ट और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लेने के बाद भी जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, उनको थर्ड डोज लेने के बाद बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा, वो लोग ये थर्ड डोज ज़रूर ले। सेकेंड पॉइंट है जिनकी एज ग्रुप 12 से ज़्यादा है उनको थर्ड डोज लेना भी चाहिए और उनको मिलेगा। थर्ड पॉइंट, जो लोग 40 के अबव है उनको भी थर्ड डोज लेना चाहिए। उन लोगों को थर्ड डोज लेने के बारे में अभी तक विचार चल रहा है, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं वीक इम्यूनिटी में कौन कौन से लोग आते हैं। तो फर्स्ट है ब्लड कैंसर, जिन लोगों को ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है। सेकंड पॉइंट है जिन लोगों की जैसे कि स्टीरॉयड मेडिसिन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन वजह से जिनकी इम्यून सिस्टम वीक हो गई है। थर्ड पॉइंट है ऑर्गन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए हैं, वो भी लोग इसमें आते हैं। बात करते हैं थर्ड डोज कब लेना चाहिए। थर्ड सेकेंड डोज होने के 8 वीक्स के बाद थर्ड डोज लेना चाहिए। अगर आप थर्ड डोज के क्राइटेरिया में बैठते हैं तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप थर्ड डोज के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से लेटर या हॉस्पिटल से लेटर लेना पड़ेगा कि आपकी इम्यून सिस्टम फर्स्ट या सेकेंड डोज पर भी वीक थी। बात करते हैं बूस्टर डोज कौन से वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप बूस्टर डोज लगवाने जाए तो नई वैक्सीन लेना फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर आपने कोविशील्ड के दो डोज लिए हैं तो आपको कोवैक्सीन का बूस्टर डोज लेना चाहिए, एंड अगर आपने कोवैक्सीन के दो डोज लिए हैं तो आपको कोविशील्ड का बूस्टर डोज लेना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।